Assalamu alaikum dear students and welcome back xpacademy.com jahan par aap step by step autocad seekh rahe hain. Ab tak students hum hash tak pahunch aaye hain, inshallah isi tarah se hum aage badhte rahenge. To aaj ka lesson hamara jo hai wo hai regions ke bare mein. Ab region kya cheez hai, agar main apni toolbar ko यहां से पिक करके ऊपर की तरफ ले आऊं और यहां पर छोड़ दूं तो आपको दिखाई देगा हम लोग पहुंच आए हैं हैश तक. ग्रेडियंट्स ये भी आप कर चुके हो बेसिकली, आप क्लिक करो तो देखें. जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मैंने अभी अभी आपको ग्रो कराया हूं पिछले लेसन में, इसे बंद कर देता हूं. तो अब हम आते हैं रीजाइन के ऊपर. रीजाइन बेसिकली लाइनों को आपस में कंबाइन करने के लिए, ग्रुप करने के लिए यूज की जाती है. लेकिन कौन सी लाइनें? वो लाइनें जिनके कॉर्नर एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट टच हो रहे होंगे. अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहला काम, अपने यूनिट्स को सेटअप्स बनाएं. यू एन मैंने एंटर किया कीबोर्ड से. इंजीनियरिंग फिट्स रेंज ओके. डायमेंशन डी एंटर किया. मॉडिफाइड के अंदर गया और ई एंटर करें इंजीनियरिंग के लिए और इंटरफेस क्लोज कर दें. यूसीएस आइकन को व्यू डिस्प्ले यूसीएस आइकन ओरिजिन पे क्लिक कर दें तो आपने लॉक कर दिया. तो बेसिकली स्टूडेंट्स जब आपके पास मुख्तलिफ लाइनें होती हैं, आप उनको आपस में मिलाना चाह रहे हो. देखिए मिली तो हुई है लेकिन जब आप क्लिक करते हो हर एक लाइन अलहदा अलहदा से सिलेक्ट हो रही है. इसी तरह से जब आप पॉलीलाइन से लाइन लेंगे, आप उसको पॉइंट दे दें, सो क्लोज करें तो देखिए स्टूडेंट्स आप एक क्लिक करें ये क्लिक पे सिलेक्ट होगी. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पॉलीलाइन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं वो वन टू आर एक लाइन होती है, ग्रुप होती है. अब प्रॉब्लम ये है हमने सिंपल लाइन को आपस में कैसे मिलाना है. तो इसके लिए आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप ड्रॉ टूल बार में जाएंगे, रीजन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, मैसेज आएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन ये नॉर्मल सा टाइम लेगा. सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आप क्या करेंगे, एक पॉइंट यहां पे दें दूसरा इस जगह पे दें, इंटर प्रेस कर दें. आपने जैसे ही स्टूडेंट्स इंटर प्रेस किया अब आप देखें ये लाइन भी बिल्कुल इसकी तरह हो चुकी है. क्यों? इसने इसको रीजन कर डाला. बेसिकली रीजन और पॉलीलाइन के अंदर एक फर्क है लेकिन वो हम 3D के अंदर जाकर देखेंगे. स्केप करें. अब मेरी रिक्वायरमेंट्स ये है इन दोनों लाइनों को मैंने तोड़ देना है, अलग अलग करना चाह रहा हूं, ब्रेक करना चाह रहा हूं जहां से ये जॉइंट्स हुए हैं. तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, एक्सप्लोड की ऑप्शन यूज करोगे. एक्सप्लोड की ऑप्शन कहां से यूज की जाती है स्टूडेंट्स, आपकी मॉडिफाइड टूल बार में. अगर मैं इसको सामने लाऊं तो देखें एंड में आपके पास एक्सप्लोड का आइकन बना होगा रेड कलर का. जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे या इसकी शॉर्टकट पहले ही मैंने एक लेसन में आपको बताई थी एक्स, जैसे ही आप कीबोर्ड से एक्स या इसके ऊपर आप क्लिक कर दो, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखिए स्टूडेंट्स मैं वापस इसको अपनी जगह पर ले जाता हूं तो वापस हर एक चीज आपके पास अलहदा अलहदा हो चुकी है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्सप्लोर का काम होता है हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग कर देना. अब बाज़ुकात रीजाइट अप्लाई नहीं होता, हम ये समझ रहे होते हैं शायद हमारे ऑब्जेक्ट में कोई गलती है, लेकिन बेसिकली फर्क क्या होता है देखते हैं. तो स्टूडेंट्स जब आपके पास ये क्रॉस पॉइंट बन रहा हो लाइनों का, अब आप रीजन के ऊपर आए सिलेक्ट करें एंटर कर दें तो देखें रीजन नहीं हो पाएगा. क्यों? रीजन के लिए मस्ट है लाइनें कॉर्नर एक दूसरे के साथ अटैच हो. लेकिन बाज़ुकात आपको बिल्कुल, मैं बिल्कुल जूम इन कर लेता हूं, ये देखें अब मैं बिल्कुल हल्का सा, अगर आप मॉडिफाइड के अब जूम विंडो के अंदर जाएं तो फिर आपको ये फर्क शायद नजर आएगा, वरना आपको नजर नहीं आएगा. अभी भी देखिए ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब देखिए आपको नजर आ रहा है. तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स, बाज़ुकात आप इसको रीजाइन लगाते हो, सिलेक्शन दें एंटर कर दें तो देखिए रीजाइन नहीं लगा. बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है आपका कोई ना कोई कॉर्नर कहीं ना कहीं से मिस हो रहा है. तो आप उस कॉर्नर को ढूंढने की कोशिश करें. देखें मैंने उस कॉर्नर को ढूंढ लिया, ये Z स्पेस E स्पेस अगेन मैंने लगाया
रिजन किधर चलते हैं, सिलेक्ट और एंटर कर दें। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो आप रिजन के ऊपर जाए, सिलेक्ट करके एंटर कर दें, तो देखिए स्टूडेंट्स आपके ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, आप इसमें कंबाइन हो जाएंगे। अब ये इसलिए नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं से मैंने इसको बाहर किया हुआ है। देखें आप इसको कॉर्नर्स को बिल्कुल परफेक्ट जब तक नहीं मिलाएंगे उस वक्त तक ये रिजाइन नहीं होगा। अगेन रिजाइन के ऊपर चलते हैं, एक पॉइंट दिया, दूसरा दिया, एंटर करें, तो आप देखें स्टूडेंट्स ये भी रिजाइन हो गया। तो ऑब्जेक्ट उस वक्त रिजाइन होंगे जब कॉर्नर एक दूसरे के साथ टच कर रहे हों। लेकिन यहां पर एक और सिचुएशन भी है, मेरे पास अगर ये लाइनें हैं, मैंने इन मुझे इनको अंदर से आपस में मिलाना ही मिलाना है, तो फिर आप क्या करोगे, आप बाउंड्री का यूज करोगे। बाउंड्री और पॉलीलाइन बेसिकली एक चीज है टेक्निकली। तो हम ड्रॉ के अंदर जाएंगे, आपके पास बाउंड्री है, सॉरी रिजाइन है, इसके ऊपर बाउंड्री है जो कि इधर बाहर नहीं है, यहां पर कहीं भी नहीं है। तो अगेन ड्रॉ के अंदर जाएं और बाउंड्री के ऊपर चले जाएं। बाउंड्री के ऊपर जाने के बाद आपको पिक पॉइंट चूज करना होगा। मैंने पिक पॉइंट चूज किया, इसके मिडिल पर आए और एंटर कर दें। अब देखें स्टूडेंट्स, क्लिक करें तो क्या हुआ, बेसिकली आपके पास एक डुप्लीकेट बन चुकी है। अगर मैं इसे मूव करूं तो देखें ये शेप इधर भी है और यहां पे ओरिजिनल लाइनें मौजूद हैं। बाउंड्री क्या करेगा, डुप्लीकेट शेप आपको बना के दे देगा। बाउंड्री की जो शॉर्टकट है वो है बी ओ, आप कीबोर्ड से बी ओ एंटर करें, बाउंड्री एक्टिव हो जाएगा। मिडिल पे क्लिक करें, एंटर कर दें, आप देखें अगेन आपके पास ये शेप आ गया, आप इसे मूव कर सकते हैं किसी भी तरफ। इसी तरह रीजाइन की जो शॉर्टकट है स्टूडेंट्स वो है आर ई जी, रीजाइन। देखें मेरे पास ये लाइनें हैं अलग अलग, तो मैं इनको आपसे मिलाना चाह रहा हूं, आर ई जी, तमाम लाइनों को सिलेक्ट दें और एंटर कर दें। जैसे आपने एंटर किया, देखें स्टूडेंट्स तमाम लाइनें आपस में मिल चुकी है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इस लेसन में बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। हमेशा की तरह आखिर में वही बात, अगर आप इस फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं अपने पास सोर्स फाइल को, तो प्लीज वीडियो के नीचे डाउनलोड का लिंक बना हुआ है, आप वहां पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ऑटोकैड का सर्टिफिकेट हासिल करना चाह रहे हैं तो प्लीज विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। यहां पे आपसे एक टेस्ट लेने के बाद आपको ऑटोकैड का सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, जिसकी आप कहीं से भी वेरिफिकेशन कराना चाहें तो हमारी वेबसाइट्स के अंदर आके उस सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे तो आपके सामने उसकी तमाम डिटेल आपके सामने आ जाएगी। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अगले लेसन में हम मिलेंगे।